ये कोई कांग्रेस की क्यों नहीं है, ये कोई बात नहीं है। जो कांग्रेस की विचार कुछ अच्छा ही तो होगी। नहीं, ये विचारधारा आज से नहीं है, तो पहले भी देखो ना आप, जहाँ महात्मा गांधी ने अच्छा काम किया, कितने माड़े किए देश के लिए, देश का पतन कर दिया महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने दोनों ने प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का सत्यानाश कर दिया, विश्व का सत्यानाश हुआ, आज विश्व में हुआ घाटा पड़ा है, कितना कत्ल हुआ है, ये नहीं राष्ट्रपिता बता रहे हैं। नहीं, राष्ट्रपिता बताते हैं, वो बताते हैं नाथूराम गोड ने गोली ठोकी थी, वहाँ 101 गलती लिखी थी, वो उन्होंने छिपा ली, उनका शासन था, हमारा वहाँ था कुछ नहीं, गलत थे वो, सत्य नहीं थे, सत्य थे तो आज ये मरते नहीं, हिंदू मुसलमान रोड़ा नहीं था, हमारे अंदर ये भावना नहीं है, मुसलमान भाई है हमारे, हमारे में से बिछड़े हुए हैं, हम उनको वापिस मिलाना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, पर दूर करना नहीं चाहते हैं, इन्होंने सालन दूर कर दिया, आज भी ये बीज वो रखे हैं, मोमडनों को फ्री दे रहे हैं, मतलब 2.5 लाख के लोन, और हम वैसे ही खड़े हैं, आज मंदिर की कोई लाइट का एक बिल भरने के लिए जाएं, चौकना बिल है और मदरसे का बिल फ्री है, क्यों ये भेदभाव क्यों रखे, कांग्रेस ने रखा है, हमने रखा है, हम तो वोटर्स हैं, अच्छा कार्य करेंगे तो हम कांग्रेस को भी दे देंगे, ऐसी बात नहीं है, न कोई हमारा हिंदू मुसलमान से अलगवाद है, कोई अलगवाद नहीं, भाईचारा है, हम उनसे मिल के चलते हैं, उनके साथ हैं। उदय पर घटना ने आपका ही नजरों देखो, ये बहुत खोटी नजर है, बेलीपा मोमडनों ने ऐसे ऐसे बेलीपे निभाए हैं जो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष है, हिंदुओं ने हिंदुओं को काट दिया, और एक मोमडन था हमारे खैरुवाड़े का जो हमारी हिंदू औरत को यहाँ ला के संभलाया, हम उनका एहसान बंद है, पर वो जो किया है वो सरासर गलत है, उनका दोस्त होते हुए और उनके गर्दन में छुरा घोटा है, ये अन्यायी है, ये पापी हैं, जिन्होंने जिसका दूध पिया उनके ऊपर सूर्य चलाने वाली कहानी है, हम मित्रता के लिए गर्दन देना चाहते हैं, हमारा राष्ट्र के अंदर भी हमारा बिल्ला है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि दृढ़ रखूं धर्म को तही रखे किरतार, तो धर्म हृदय में रखेंगे तो ईश्वर भी सुनेगा, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा, हमारा ना कोई कांग्रेस है ना कोई बीजेपी, सत्यता सत्य इनके पास है नहीं, उदयपुर की घटना हुई, दोस्ती होते हुए घटना करी, ऐसी खोटी घटना और कोई करने वाला है नहीं, ये बात। लेकिन कठिन कठिबा ने सारो तो जरूर मिल रही किसी पार्टी रोलर, मेहरबानी इसी की है, मेहरबानी इसी की है, अशोक जी की मेहरबानी है, शांति यही तो महात्मा गांधी से चल रही आ रही है, उन्होंने कहा था कि थप्पड़ मारे कोई बात नहीं, दूसरा गाल आगे दे दो, ये क्या तुक हुआ, अगर वल्लभ भाई पटेल को ये बागडोर संभालते ऐसा नहीं होता, उसी दिन वो एकदम सत्य करके छोड़ते, पर ये चला गया, वो समय निकल गया, क्या करें, आज भी जा रहा है, ये एक समय का बर्ताव भी ऐसा ही है, चार युग चले गए, मेरे को उस जगह तक जाना पड़ रहा है, आप बुला रहे हो जब जा रहा हूँ, नरजीव चीज वचन लाती, अब सरजीव टाइप कौन हूँ, सीधी बात हो रही, विषय हूँ बात हो रही, तो ये सब इसी की खोज की सोच की हारी मेहरबानी है, ताक वहाँ तक जाके पहुँच गए, पर यहाँ बिछड़ गए, आगे तो चले गए पर पीछे ये हो गया, ये जो रोड़ा बीज बोया हुआ है ना हिंदू मुसलमान का और ये जातिवाद का, ये नाम खत्म होगा तो भारत का उन्नति होगी, नहीं तो नहीं होगा, आप 90% नंबर लेके आके बैठे हो और 40% वाला वो तो अल्पसंख्यक है, क्या तुक हुआ, उसके अंक की 40 है आरक्षण, जातिवाद से आरक्षण मिल रहा और किससे मिल रहा है, तो ये किसी की दीन तो दी हुई है ना, का नहीं दी हुई, किसी ने तो दी जब हुई है, वैसे क्यों हुई, क्या क्या गलत भावना है जो को आज 95% या 99% नंबर लेके खड़ा है, उनको जगह नहीं है, 40% वाला डॉक्टर बन रहा, वो क्या इलाज करेगा, क्या उसका ऑपरेशन सक्सेस होगा, स्कूल में पढ़ाने के लिए बैठा वो क्या पढ़ाएगा, उसको ज्ञान ही चाहिए, इतनी बुद्धि होगी ऐसा ही ज्ञान देगा, और क्या देगा बताओ आप, लेकिन जो ये आरक्षण रखा था तो ये 20 साल की व्याधि के लिए रखा था, वो 20 साल से 70-80 साल तक ही आगे नहीं हुए, अब कैसे ले लोगे उनको आगे, आप ले सकते हो क्या, और पिछड़ोगे, आप 100% वाले को पीछे छोड़ रहे हो, 20% वाले आगे ले गो, पतन होगा देश का, कभी आगे नहीं आ सकता, आगे वही आएगा जिसके साथ में ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, विवेक होगा, बोलने का विवेक होगा, हर कोई को गले लगाने का विवेक होगा, जब जाति का पतन होगा, ये जो जाति का पतन है नहीं, ये खत्म होगा जब भी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, ये तो साहब ये हो गया, ये तो इसके लिए रिजर्वेशन है, तो फिर बाहर से आए हैं क्या, कई बता रहे हैं क्षत्रिय तो आ रहे हैं, अच्छा रामचंद्र जी आ रहे थे कहाँ से आए थे, कैसे था, पर ये ऐसी उत्पादि बना रखी है, लोग फालतू ऐसे बीज बो रहे हैं और बीज बो रहे से गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
लेकिन 10% EWS से आरक्षण है वो तो राजस्थान सरकार दी। अच्छा है, कोई बात नहीं, राजस्थान सरकार ने दिया है, लागू किसी ने तो किया होगा। लेकिन केंद्र में दो बार भाजपा आ चुकी है, आगे तो भाजपा ने जैसे किए वो सभी के सामने है नहीं। आपको आपका घर छूटा हुआ दोबारा ला के बिठा दिया, मेहरबानी किसी की मानेंगे? तो फिर मैं जहाँ आके बैठा हूँ आदर मिला है, उस आदर भाव को मैं थोड़ा ही भूलूंगा? ये भूलना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, ऐसी बात नहीं है। जातिवाद को छोड़ देना चाहिए, राष्ट्रवाद की बात होनी चाहिए, मानवता की बात होनी चाहिए। हर जीव जंतु का रक्षक कौन है? मानव है। ये कह रहे हैं हमारे कुरान में लिखा हुआ है सब मेरे लिए बना है, तो तू किसके लिए बना है? हिंदू में ये लिखा हुआ तू हर जीव का रक्षक है, कीड़ी से लेके हाथी की रक्षा कर, पौधे से लेके सब जंगल की रक्षा कर, उसके लिए तेरा गर्दन कटा दे तो तू सत्य और मानव है। नहीं तो राक्षस भाई दूध पी के उसको खाए, क्या राक्षस है या नहीं है? मानो आप तो मेरा ऐसा विचार है, मैं मेरे विचार लेके मरूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद देख दरिया झलको मारवाड़ी। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।